हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू ड्रोन टू डॉक्टर वंस अगेन। अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम लेके आते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन एंड टेक, एंड एज अ डॉक्टर कभी कोई मैं हेल्थ टेस्ट भी देता हूँ ऑन डिमांड। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 में बेस्ट DJI का ड्रोन, क्योंकि काफ़ी मॉडल्स अब अवेलेबल हैं और सभी मॉडल्स के जो मैं मेन आज उठाऊंगा वो अलग हैं एक दूसरे से। बेसिकली अलग अलग कस्टमर्स को वो टारगेट करते हैं। अब कन्फ्यूजन हो जाता है जब एक नया कस्टमर DJI का ड्रोन लेने जाता है। अब सबके मन में ये होगा कि सवाल कि DJI का तो अब इतना वो चल रहा है लोचा रेगुलेशंस का, तो कैसे होगा? तो वो उसको साइड पर रखें अभी, क्योंकि ये लंबी पॉलिसी है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लोग ड्रोन खरीद रहे हैं, कोई बाहर से मंगवा रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, तो लोग ड्रोन खरीद रहे हैं। अब जब खरीदना है तो कौन सा खरीदें उस पर ये वीडियो है, क्योंकि अब 2021 चल रहा है और काफ़ी ऑप्शन हैं आपके पास, पहले इतनी ऑप्शन नहीं होते थी, अब हैं। अब इनमें से मैं बताने वाला हूँ कि मिनी किसके लिए है, मिनी 2, सभी लेटेस्ट ड्रोन की बात करूँगा, DJI मिनी 2 किसके लिए है, DJI मैविक प्रो 2 किसके लिए है, DJI मैविक एयर 2 किसके लिए है और DJI मैविक एयर 2S किसके लिए है। तो नाम बहुत सिमिलर हैं लेकिन ये सभी ड्रोन आपस में काफ़ी अलग हैं और अलग अलग कस्टमर्स के लिए हैं। तो कौन सा ड्रोन किस कस्टमर के लिए है, तो अगर आप लेने वाले हैं DJI का ड्रोन तो इनमें से कौन सा चूज़ किया जाए, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। हर एक के मतलब पूरा भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि पूरा देखना तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, कार्ड पे भी डाल दूंगा, लेकिन इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा सिलेक्शन कैसे करनी है कि आप किस तरह के कस्टमर हैं और आपके लिए कौन सा ड्रोन बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सस्ते से, कैजुअल, जिसने कभी भी ड्रोन नहीं उड़ाया है, जो एक बिल्कुल नया है और उसको ये बहुत अच्छा लगता है कि ड्रोन उड़ाया जाए, थोड़ा दूर से हमारी फ़ोटो ऊपर से शॉट लिए जाएँ, और इसको मतलब मैं कहूँगा ABC भी नहीं मालूम है ड्रोन की। और इस ऐसे कस्टमर के लिए जो बिल्कुल बिगनर है, जो बिल्कुल नया है, उसके लिए बेस्ट है DJI का मिनी 2। अगर मिनी 1 मिल रहा है तो वो ले लें, वो थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा। अगर मिनी 2 अवेलेबल है, आपका कोई रिश्तेदार बाहर से ला रहा है, तो मिनी 2 ले। अब ये किस लिए बढ़िया है, क्योंकि एज ए बिगनर है तो एक बहुत छोटा कॉम्पैक्ट ड्रोन है, बहुत इजी टू फ्लाई है। नंबर 3, आपको ज़्यादा बैटरीज नहीं बदलनी पड़ती इसमें, सारा कुछ पहले ड्रोन में बैटरी बहुत छोटी आती थी, मिनी में है ये मिनी लेकिन इसका बैटरी बहुत अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छा फ्लाइट टाइम मिलता है। और सबसे बड़ी बात, बाकी ड्रोन के कंपैरेटिवली ये सस्ता है, मतलब बाहर के रेट्स की बात करूंगा अराउंड $500 के आसपास आपको मिल जाता है। दुबई से ले सकते हैं, मलेशिया से ले सकते हैं, आसपास के जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ से आप ला सकते हैं। और लाना कैसे है मैं कई बार बता चुका हूँ शॉर्ट्स में भी, कि डिसमेंटल करके लाएं और बॉक्स को मत लाएं यहाँ पर, तो छोटा ड्रोन है, बहुत आसानी है, काफ़ी लोग लेके आते हैं, रोज मेरे पास से क्वेरीज आती है, मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, तो मिनी 2 हो गया बिल्कुल बिगनर्स के लिए। अब उनकी बात करते हैं जिनको ड्रोन का थोड़ा नॉलेज है, दे नो हाउ टू फ्लाई, और उन्होंने शायद पिछले कभी ड्रोन किसी दोस्त का या कहीं उड़ाया हुआ है, और थोड़ा दे आर टेकी टाइप और उनको कुछ अच्छी फुटेज चाहिए आपने उसके लिए, तो यहाँ पर एक ऑलराउंडर ड्रोन आता है हमारे पास, वो आपको वीडियोग्राफी भी बहुत अच्छा कराएगा। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं, वेडिंग वीडियोग्राफर है, वेडिंग में यूज़ करना बहुत अच्छा, आपको 4K फुटेज बढ़िया वाला चाहिए, और आप मतलब आप यूट्यूबर हैं, आपने कैंपिंग करनी है वहाँ से बहुत अच्छा आपको फुटेज चाहिए, और ऑलराउंडर ड्रोन आपको चाहिए जिसमें आपका मतलब मौसम थोड़ा ख़राब भी हो, हवा ज़्यादा चल रही हो तो थोड़ा भारी हो, ऐसे ना हो कि वो उड़ जाए, क्योंकि मिनी जैसे मैंने आपको बताया पिछला वो बिगनर है, तो ये थोड़ा प्रो लेवल का ड्रोन है, ये है आपका मैविक 2 प्रो। तो इसमें आपको फोटोग्राफी भी अच्छी मिलेगी, वीडियोग्राफी भी अच्छी मिलेगी, वेट भी इसका बढ़िया है कि आपको अगर मौसम थोड़ा बहुत हवा ज़्यादा चल रही है तो आप इसको उड़ा भी पाएंगे। तो ये यूट्यूबर्स के लिए मैं कहूँगा जो कि नए ड्रोन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो थोड़ा आपको इसमें क्योंकि पहले लॉन्च हुआ है तो थोड़ा सा आपको अच्छी डील इसमें मिल जाएगी इन दिस वन, इन मैविक 2 प्रो। पर ये ऐसा मत समझिए कि ये बिगनर ड्रोन है, ये प्रो लेवल का ड्रोन है। खासियत इसमें ये है, ये उन लोगों के लिए है जो एक फोल्डेबल ड्रोन चाहते हैं, जिनको वीडियो फुटेज बहुत अच्छी चाहिए, जिनको मतलब एक होता ना ऑल टाइम ऑल इन वन चीज़ चाहिए, तो ये मैविक 2 प्रो उनके लिए है। अब आते हैं उनके पास मैविक एयर 2। जो ये वो हैं लोग जिनको ड्रोन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट चाहिए, मैविक जो 2 प्रो है थोड़ा बड़ा है, मतलब ये वो है जो कॉम्पैक्ट चीजें पसंद करते हैं,
छोटी बॉडी लेकिन काम ज्यादा। तो अब इसमें बेसिकली कनेक्टिविटी का जो है एज कम्पेयर टू मैविक 2 प्रो थोड़ा सा फर्क आपको मिलेगा, मतलब रिमोट और उसके कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैविक एयर 2 में भी काफ़ी पहले के मुकाबले बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिलती है। एंड मेरे हिसाब से ये वो लोग हैं, मतलब एज ए अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो कि बजट में फंसा हुआ है, एक तरफ उसके सामने मैविक 2 प्रो पड़ा हुआ है, एक तरफ उसके सामने मैविक एयर 2 पड़ा हुआ है, तो अगर आप प्रोफेशनल हैं जैसे वेडिंग वीडियोग्राफर हैं तो डेफिनेटली एयर 2 को मत लें, आपके लिए प्रोफेशनली शूट करने के लिए प्रो इज द बेटर चॉइस। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक यूट्यूबर हैं जिसे बस एक कैंपिंग करनी है और वहां पर एक अच्छी फुटेज चाहिए और उसको चाहिए, मेन प्रॉब्लम होता है लगेज का, तो उसको थोड़ा कॉम्पैक्टनेस चाहिए ना, तब आप मैविक एयर 2 लें। यहाँ पर आपको पता लग गया दोनों कस्टमर्स का, तो मैविक एयर 2 जो है वो फोकस कर रहा है जो कि यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनली इसको यूज नहीं करना, अपने वीडियोस में अच्छी फुटेज उनको चाहिए और उनको वो ट्रैवल करना लेके, तो मैविक एयर 2 उनके लिए। लेकिन जो मैविक 2 प्रो, ये प्रो लेवल, मतलब यहाँ प्रो आया था वहाँ प्रोफेशनलिज्म, जैसे आप वेडिंग वीडियोग्राफर्स हैं जिन्होंने उनके लिए लगेज उठाना प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस एक बढ़िया पैकेज चाहिए, तो उनके लिए वो है। तो अब तक मैंने 3 ड्रोन डिस्कस कर लिए। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक बार फिर से बताता हूँ एक एक लाइन में। बिगिनर हैं आप तो मिनी में जाएं, DJI मिनी 2, मिनी 1 मिल रहा तो सस्ता मिल जाएगा तो मिनी 1 भी चलेगा। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, कैजुअल हैं लेकिन फुटेज बहुत बढ़िया चाहते हैं, देन गो फॉर DJI मैविक एयर 2। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आपने इवेंट्स को कैप्चर करना है, आप कोई म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं, देन मैविक 2 प्रो आप लें। ठीक है, 3 कैटेगरीज होगी। अब इसके बाद चौथी और फाइनल कैटेगरी अब जो लेटेस्ट आया है वो किसके लिए है, दैट इज योर DJI एयर 2S। अब ये भी मैं, क्योंकि ये अब नया है, ये थोड़ा महंगा मिलेगा, तो प्रोफेशनल कैटेगरी के जो लोग हैं वो इसमें आना चाहते हैं, अगर उनके पास बजट है तो जरूर आए, क्योंकि इसमें एडवांटेज आपको ये मिलने वाला है, अगर आप वीडियो शूट करते हैं प्रोफेशनली, म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, मतलब ड्रोन शॉट्स का जो था ना ऑटोमेशन इसी ड्रोन में आई है। इसके ऊपर मैंने एक बनाया हुआ है पीछे वीडियो के, कैसे अपने आप ये सिनेमेटिक शॉट्स ले लेता है, आपका टाइम बचेगा। और इसके अलावा इसमें 1 इंच का सेंसर है जो अभी किसी में नहीं आया, लास्ट जितने भी ड्रोन मैंने आपको अभी तक डिस्कस किए हैं, और 5.4K मतलब 4K से भी ऊपर आपको रेजोल्यूशन इसमें मिलेगा, तो ये टॉप कैटेगरी का ड्रोन है अप टिल नाउ। अब ये आगे इसके अलावा मैविक प्रो सीरीज का कोई और ड्रोन आता है तब कंपैरिजन बनता है, तो फिलहाल अगर आपके पास बजट अच्छा है और आप बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं चाहे आप यूट्यूबर हैं, तो किसी भी कैटेगरी के हैं, इफ यू वांट बेस्ट देन गो फॉर DJI एयर 2S। अब क्योंकि ये जो ड्रोन है ये लेटेस्ट है, इसमें काफी फीचर है जो अभी आपको मैविक 2 प्रो में भी नहीं मिलेंगे। तो अब 4 ड्रोन मैं डिस्कस कर दिए और समरी आपको फिर से दे देता हूँ। Mini is for beginners, Mavic Air 2 is for YouTubers, और Mavic 2 Pro is for professionals, wedding वाले जो है या event जिन्होंने cover करना है, music videos बनाने हैं, and last is latest one Mavic Air 2S। ये अगर आपके पास budget अच्छा है and you believe in technology, तब this is for both for YouTubers as well as professionals। तो मैंने सारा summary कर दिया, फिर भी आपको कोई question, कोई query इन drone से related है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपके लिए है, और आप क्या, आपके लिए आपको इनमें से कौन सा ड्रोन पसंद है, या आपके पास इनमें से कोई ड्रोन है और आपने कहीं से बाहर से मंगवाया है तो प्लीज वो भी आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और किस तरह से आप मंगा रहे हैं, और आपको कुछ पूछना है कि कैसे लेना है तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, और या तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई करता हूँ या मैं शॉर्ट वीडियोज में रिप्लाई मैं जरूर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।